अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। शॉपिंग करने आई हुई है? बिल्कुल शॉपिंग करने आई हुई। मुझे ये बताइए कि मरियम साहिबा वजीर आला बनने जा रही है, क्या लगता है कैसी वजीर आला होंगी? ये मजाक था। नहीं, मुझे लगता है ये मजाक था। बन जाएंगी। अच्छा, बनेंगी तो कैसी होंगी ये बताएं? क्या काम करेंगी? काम कुम नहीं कराएंगी। अपने मेकअप पे और डर्मा फेशियल्स के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करेंगी। यार, ये आपने बड़ी गहरी बात कर दी है, ये पर्सनल अटैक है। आप बताएं कैसी वजीर आला होंगी? स्किन के ऊपर अच्छे टिप्स दे सकती है। अच्छा, मतलब कि इन खवातीन का, प्यारी प्यारी लड़कियां, बल्कि लड़कियों का कहना ये है कि अगर वो वजीर आला बनी तो वो स्किन की जो है ग्लोइंग स्किन कैसे करते हैं, स्किन टिप्स दिया करेंगी। अच्छा, हम इनसे बात कर लेते। क्या नाम है आपका? फातिमा। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताओ कि आपने तो, ये तो हमें नजर आ गया कि आप लोग का नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते उन्हें। ये बताएंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, अगर हम अपोजिशन लीडर के हवाले से बात करें तो तब किसे देखते हैं? तीन नाम है हमारे सामने, शेर अफजल मरवत साहब, अली मोहम्मद खान साहब, या फिर सनम जावेद। सनम जावेद का कह सकते हो कि शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, उसने जेल भी काट ली, यार पीछे रह क्या जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि मैं किसी को फेवरेटिज्म नहीं कर रही, लेकिन हम किसी के हक में इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग सारे क्या आपस में वो लोग जो है ना, वो एक पर्सन अटैक कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अजीब किस्म की डेमोक्रेसी उन्होंने शो कर दी है कि जो कि जिसका होना बनता भी नहीं था। अब नवाज शरीफ को वो लोग लेकर आए हैं वापस इसी डील पे कि हम आपको बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, क्या हो रहा है, क्या बना रहे हैं? इलेक्शन हो नहीं रहे थे और अब खत्म नहीं हो रहे हैं। अच्छा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि पहले इलेक्शन हो नहीं रहे थे और अब इलेक्शन खत्म नहीं हो रहे बिकॉज रिजल्ट ही कम्प्लीट नहीं हो रहा है। अच्छा, कभी आप लोगों को, मेरा ख्याल है पहला वोट दिया होगा, तो आप सुनते तो रहते होंगे ना अपने वालदैन से, अपने बड़ों से, कभी ऐसा इलेक्शन होते हुए देखा है जिसके नतीजे ही अभी तक 6 दिन लग जाए और कम्प्लीट ना हो? इलेक्शन ही है जिसके नतीजे अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं। अल्लाह बेहतर जानता है कि कितने दिन और लगेंगे इस नतीजे को आने में। आगे बढ़ते हैं जी और मजीद लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? नवीद। मरियम साहिबा वजीर आला बनने जा रही है, क्या लगता है कि कैसी वजीर आला होंगी? तो बहुत अफसोस की बात है कि मरियम नवाज वजीर आला बनेगी। अफसोस की बात क्यों है? अफसोस की बात यह है कि वो, पहली बात है कि वजीर आला अगर बनेगी भी तो वो धोखेबाज वजीर आला बनेगी, धांधली के साथ वजीर आला बनेगी, ईमानदारी के साथ वजीर आला नहीं बनेगी। अगर ईमानदारी होती तो वजीर आला अच्छी लगती, अगर ईमानदारी नहीं है तो वो वजीर आला अच्छी नहीं है। अच्छा, हम यहाँ पर हम मियाँ साहब की बात कर लेते हैं कि मियाँ साहब ने शहबाज शरीफ का नाम वजारत उज़्मा के लिए और वजीर आला के लिए मरियम साहिबा का नाम दिया है, तो उसमें सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि इनकी पार्टी में कोई भी इनके पास इतना एलिजिबल पर्सन नहीं है, ये चार लोगों के दरमियान ही हुकूमत घूमती रहती है? सर, ये तो इन्होंने ना मैम 35 साल से ये देखते आ रहे हैं, इन्होंने बारियाँ लगाई हुई हैं और अपने ही फैमिलियों के साथ लगाई हुई हैं। यहाँ जरदारी हो जाएगा, उसकी फैमिली अब इकट्ठी होगी है, वो उसकी बेटी आ गई, वो बेटा आ गया। नवाज शरीफ का भी ऐसा ही है, उनके माशाल्लाह इतने फैमिली मेम्बर्स हो गए हैं कि उन्होंने अपने घर में ही हुकूमतें बना ली हैं, कभी किसी को चांस आने नहीं दिया, किसी को भी आने नहीं देते, क्योंकि देखा अभी भी पीटीआई के लिए उन्होंने कैसी धमकियाँ लगाई, कैसे हरकतें किए, निशान छीन लिया, जाके धांधली क्लियर नज़र आ रहा कि ये धांधली हो रही है, मगर वो धांधली होनी नहीं चाहिए थी। अगर इसमें ये शेर तो है इनका निशान जी, ये शेर है, मगर अगर शेर था तो फिर शेर की तरह सामने आता, फिर वो गिदड़ों की तरह सामने ना आता कि जी हम हार रहे हैं और जल्दी जल्दी जो है ना वो सबके ऊपर जो है ना प्रेशर डाल दो और साथ एक अपना बंदा भेज दो और जाके अपना ना स्टैंप लगाओ और अपने ही वजीर आज़म बनाओ, अपने ही वजीर आला बनाओ, अपना ही सारा काम करो। ये समझ लो कि ये दहशतगर्द, यहाँ पर हम, जहाँ पर आप धांधली की बात कर रहे हैं वहाँ पर हम उन 18 हलकों के हवाले से बात कर लेते हैं जिस पे दरख्वास्तें दायर की गई थी अगेंस्ट, लेकिन वो भी हाई कोर्ट की जानिब से खारिज कर दी गई हैं। देखिए, पहले भी बात ये है कि अदालतें भी इनकी हैं, ये 12 बजे अगर रात को 12 बजे अदालत खोल सकते हैं ना, तो ये तो कोई भी नहीं उनके लिए। वो कहता है, जरदारी भी कहता है कि मेरे बाएं हाथ का काम है कि मैं हर काम ऐसे कर सकता हूँ। वो क्या है, हुकूमत है, इसको कहते हैं कि ये अपनी दहशत के साथ ही पंजाब में हुकूमत करते हैं, अपनी दहशत के साथ जिधर दिल करें ये हुकूमत करें। आपने किसे वोट दिया था? मैंने पीटीआई को वोट दिया है। मैं क्या लगता है अवामी मैंडेट का एहतराम करना जमहूरी पार्टी के लिए जरूरी नहीं है? ये तो देखिए, एहतराम करना तो बहुत जरूरी है, कोई भी पार्टी है, चाहे पीटीआई चाहे नून लीग है, मगर ये उनको भी पता चल गया हुआ है कि हम गलत तरीके से आगे आए हैं, अच्छे तरीके से नहीं आए। अगर आवाम, किसी भी आवाम से पूछ लोगे ना, जहाँ पे भी आप चले जाओगे, सब यही कहेंगे जी ये धांधली के साथ आए, कोई
भी एक बंदा नहीं कहेगा कि यार ये रियल तरीके से आए हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने पीटीआई की बात की कि आप उनको सपोर्ट करते हैं और वोट भी दिया था। वोट दिया है, सपोर्ट क्या करनी है हमने। देखो, अपोजिशन लीडर किसे देखते हैं? हमारे पास तीन नाम है, उनमें से किसे देखना चाहते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शेर अफजल मरवत साहब, सनम जवेद साहिबा या फिर अली मोहम्मद खान साहब? अली मोहम्मद खान साहब। क्या वजह है, क्या लगता है कि वो अपोजिशन लीडर बनेंगे तो कैसे होंगे? वो बहुत ही अच्छे हैं और वो खान साहब के एक तो वैसे बड़े फैन हैं और खान साहब की उनकी बातें और वो समझ ले कि जैसे खान साहब है ना क्लियर कि वैसे वो भी क्लियर हैं, वो भी ईमानदारी के ऊपर खड़े होते हैं। भाई माने वाले बंदे को वो भी पसंद नहीं करते जैसे खान साहब नहीं पसंद करते, उसको होना चाहिए मोहम्मद अली खान। कौन सी पार्टी किसके साथ इल्हाक करती हुई नजर आ रही है? ये तो अगर इमरान खान के साथ कहें ना तो इमरान खान से कहते नामुमकिन है ना। शेर अफजल मरवत ने अपने एक बयान में कहा है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से हमें कॉल आई है कि इल्हाक के हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही है, ये हकीकत है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है कि उन्होंने कॉल की है इमरान खान साहब को, मगर इमरान खान साहब ने उनको इनकार किया है कि हम पार्टी के साथ अगर मिलते हैं, किसी भी पार्टी के साथ मिलेंगे ना वो, तो मुझे ये बताएं कि जिस आवाम ने उनको वोट दिया है सिर्फ किस वजह से दिया है कि ये जो पार्टी है ये ठीक नहीं है, तो आवाम ने उसको वोट दिया जो ठीक है। अगर वो ठीक है तो अगर वो ही मिल जाएगा ना उनके साथ तो आवाम क्या सोचेगी कि यार ये सारी एक जैसे हैं, ये सारी एक जैसे हैं। तो इसीलिए इमरान खान ने ये फैसला किया था कि मैंने इनके साथ नहीं मिलना। अब उनकी हुकूमत एक जगह से पेशावर से हो जाए, केपी से या लाहौर से हो जाए या किसी जगह पे भी हो, वो जो भी करेंगे वो अकेले करेंगे और खुद खड़े होंगे। थैंक यू जी, आगे बढ़ते हैं और मजीद लोगों से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है सर? ठीक ठाक। वजीर आला बन रही है मरियम साहिबा, क्या लगता है कैसी वजीर आला होंगी? अल्लाह खैर करे सुबह होकर। क्या उसकी सीयत है, क्या उसकी सियासी खिदमात है, क्या किसी ओहदे पे उस आज तक वो सही काम कर सके? पाकिस्तान में पहली दफा कोई खातून वजीर आला बनने जा रही है। काबिल हो तो हम उसको अप्रिशिएट भी करें। है क्या? बिल्कुल काबिल नहीं है वो, नो फारिग औरत है वो। क्या आप किसको देखना चाहते थे? कोई ऐसा काबिल आदमी था उनकी पार्टी में और भी बहुत। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि इनकी जो तमाम पार्टी के मेम्बरान हैं, जब भी कोई वजारत की बात होती है तो ये तीन चार लोग ही होते हैं जो रहते हैं उसमें। वो खानदान ही है ना उनका, क्या इनको बाकी कोई नजर नहीं आता? पार्टी किस काबिल नहीं है? देखिए मेरी बात, जिस पार्टी के ऊपर अरकान बोल ही ना सके वो पार्टी कैसे डेमोक्रेटिक है ना। यहाँ सादे का अच्छा आदमी था उसको लेके आते हैं, और भी बड़े बड़े अच्छे उनके लीडर हैं। ये नहीं है कि सारे ही पटवारी हैं, कुछ हैं अच्छे जिनको आप अप्रिशिएट कर सकते थे, लेकिन ये नथिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपोजिशन के लीडर, अपोजिशन लीडर की अगर बात करें तो किसको देखते हैं? हमारे पास तीन नाम है, शेर अफजल मरवत साहब, अली मोहम्मद खान साहब या सनम जवेद साहब। मेरा ख्याल है कि अली मोहम्मद खान गुड आदमी। क्या लगता है कि अच्छे अपोजिशन लीडर होंगे? देखिए मेरी बात सुनो, पढ़ा लिखा सुलझा हुआ बंदा है और वो बात को समझने वाला, समझाने वाला भी। मरवत साहब ज्यादा जज्बाती हैं। जज्बाती हैं जरा। अगर वो बन जाते हैं तो क्या लगता है, क्या जज्बाती फैसले करेंगे? वो जो हाल का माहौल होगा ना वो खराब ही रहेगा। हॉल का माहौल होगा खराब रहेगा। हम यहाँ पर वजारत उज़्मा की भी बात कर लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने खुद जो है कोई वजारत का बिल नहीं लिया और दो नाम नामजद कर दिए, शहबाज शरीफ साहब का और अपनी साहबजादी का, तो क्या सियासत छोड़ते हुए नजर आ रहे, क्या लगता है? ये स्क्रिप्ट पहले ही लिखा हुआ था, पहले ही पता था कि नवाशी को ना, पहले ही पता था कि नवाशी को ना हो गई भी, वो तो सिर्फ इलेक्शन की सिर्फ प्रॉब्लम के लिए आया था, लेकिन उसको पहले पता था। उसकी आप पूरी कैंपेन में उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक कर दे, उदास उदास, ये तो वो अब बने आदमी को बनाए जिसको पता नहीं है, अब इनको पता नहीं, शर्म ही नहीं आती, आवाम को हर चीज का पता है। कौन सी पार्टी किसके साथ लाग करती नजर आ रही है? अभी ये खबर आई है शेर अफजल मरवत साहब के, इन्हें बयान दिया है कि पीपल्स पार्टी पीटीआई की जानिब कुछ इलाक कर रही है। जी, मेरी अपनी जाती राय है, लेकिन अंदर के हालात वो जानते हैं ना खान साहब, अगर करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मिल सकते हैं उसको भी चाहिए अपनी थोड़ी सी कुवत बनाए, फिर इनसे लड़ा जाएगा। मैंने इधर
सर यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से बात कर लेते हैं और प्रोसेस के हवाले से भी आपसे बात कर लेते हैं। अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं आप कि इतना स्लो प्रोसेस कभी पहले देखा है कि नतीज आ ही नहीं रहे हैं, कोई 5 दिन हो गए हैं कि अभी तक भी मुकम्मल नहीं हो सके। सब आपको भी पता है ना, आपने चलाना है जब बात को नहीं हम चला देंगे, नहीं चलाएंगे। हमारे प्रोग्राम का नाम ही आपकी आवाज़ है, हम चला देंगे आपकी आवाज़। पता सारी दुनिया को यहाँ हो गया हुआ है कि जिन्होंने नतीज रोके हुए हैं, जिन्होंने करने हैं, ये हमारे वोट की ये तजलील ही हुई। यहीं पर हम आवाम के मैंडेट के हवाले से बात कर लेते हैं कि एहतराम करना जमहूरी पार्टीज के लिए जरूरी नहीं है क्या? जब जमहूरियत ही नहीं इन्होंने आने देनी तो एहतराम कहाँ से रहेगा? आप अगर ये हारे हुए हैं ना, इनको चाहिए था ये काम ही ना करते, आएगा उसने कौन सी जमहूरियत देखनी है? वो तो है ही पैदावार। तो आज को किस मुंह से कह रहा है कि मैं जमहूरियत हूँ? थैंक यू जी।